मोटू और पतलू घर में बैठे होते हैं। मोटू पतलू से कहता है, पतलू मुझे बहुत भूख लगी है, मैं चाय वाले के पास जा रहा हूँ समोसे खाने के लिए। मोटू भाई जल्दी आ जाना, बाहर अंधेरा होने वाला है। मोटू चाय वाले की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। मोटू समोसा खाने में इतना व्यस्त हो जाता है, मोटू को पता ही नहीं चलता कि कब अंधेरा हो गया। मोटू घर की तरफ आ रहा था, आगे रास्ते में एक आइसक्रीम वाली अपनी रेड़ी ले आ रही थी। आइसक्रीम वाली औरत मोटू से कहती है, अरे बेटा आज मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी है, तुम आइसक्रीम ले लो। मोटू उस औरत से आइसक्रीम ले लेता है। मोटू आइसक्रीम खाते ही भूत बन जाता है। अरे बच्चा मैं कोई आइसक्रीम वाली नहीं हूँ, मैं एक चंदेल हूँ, अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो, जो मैं कहूँगी वो ही करोगे। जाओ पतलू को मार दो, जाओ पतलू को मार दो। पतलू मोटू का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी टाइम हो गया था, मोटू घर नहीं आया। काफी टाइम हो चुका है, अभी तक मोटू क्यों नहीं आया। पतलू मोटू को देखने के लिए घर से निकल जाता है। पतलू को मोटू रास्ते में मिलता है। मोटू भाई तुम्हें क्या हो गया। पतलू मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूं। मोटू पतलू को मारने के लिए जाता है। पतलू वहां से भागने लगता है। पतलू भागते भागते एक बाबा जी के पास चला जाता है। बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। पतलू बाबा जी को सब कुछ बता देता है। मोटू के पीछे वहां पे पतलू भी पहुँच जाता है। बाबा अपनी शक्तियों से मोटू को ठीक कर देता है। बाबा मोटू से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है। मोटू बाबा को सब कुछ बता देता है जो कुछ उसके साथ हुआ था। ऐसे तो चंडेल पता नहीं कितने लोगों को मारेगी। बाबा मोटू पतलू को एक जादुई छटी देता है। मोटू पतलू उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चंडेल होती है, और चंडेल के ऊपर जादुई छटी से शक्तियां छोड़ देते हैं। चंडेल वहीं मर जाती है।